ये कहानी एक सच्ची घटना पर आधारित है जो कि एक यूसी नाम के एक लड़के की है। इस मूवी में हमें दिखाया जाता है कि यूसी अमेज़न के जंगलों में भटक चुका है। मूवी की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि यूसी को यात्रा करना बहुत पसंद है और वो घूमने के लिए अलग अलग जगहों पर जाता है। वो अमेज़न के जंगल जाना चाहता है। जब वो वहाँ एक नदी को पार कर रहा होता है तब उसकी मुलाकात मार्कस से होती है जो कि एक टीचर होता है। फिर ये दोनों अपने आगे के सफर के लिए निकल पड़ते हैं। अगले दिन मार्कस यूसी को अपने एक दोस्त से मिलाता है जिसका नाम केविन होता है। इसी कैंप में यूसी को एक लड़की मिलती है जिससे यूसी को प्यार हो जाता है। ये दोनों उसके बाद कुछ अच्छा समय एक दूसरे के साथ बिताते हैं। अगले दिन यूसी मार्केट में अकेला घूम रहा होता है और उसे पीछे से आवाज आती है कि क्या तुम अमेरिकन हो। यूसी पीछे मुड़कर देखता है तो उसको एक आदमी दिखता है जिसका नाम कार्ल होता है। यूसी उसे जवाब देता है कि नहीं, मैं अमेरिकन नहीं हूँ। कार्ल को जंगल के बारे में सब कुछ पता होता है और कार्ल यूसी से कहता है कि तुम्हें अगर जंगल का पूरा मजा लेना है तो तुम्हें जंगल के बीच में जाना होगा जहाँ पर भारतीय आदिवासी रहते हैं जिनको आज तक किसी ने नहीं देखा। यूसी कार्ल की बातों से काफी खुश होता है और वो वापस आकर मार्कस और केविन को पूरी बात बताता है। यूसी इन दोनों को साथ चलने को कहता है और बताता है कि यहाँ जितने भी ट्रेवलर्स आते हैं वो आस पास घूम के चले जाते हैं, लेकिन हमें ऐसा नहीं करना, हमें एक अलग अनुभव लेना है। ये दोनों पहले यूसी को मना करते हैं लेकिन बाद में ये दोनों भी साथ जाने को तैयार हो जाते हैं। अब ये चारों लोग जंगल में जाने की तैयारी करते हैं जिसमें कार्ल इनको बताता है कि हमें जंगल में 3 से 4 दिन का समय तय करना पड़ेगा। अगर ये यहाँ से निकल पड़ते हैं, प्लेन से जंगल के बीचों बीच आ जाते हैं और फिर पैदल जंगल की तरफ निकल पड़ते हैं। आज सारा दिन पैदल चलने के बाद सभी लोग शाम को एक सेफ जगह देखकर वहाँ पर कैंप लगाते हैं। अब ये चारों आपस में बात करते हैं और थोड़ी देर में अपने कैंप में सो जाते हैं। अब ये सभी लोग सो रहे होते हैं कि तभी मार्कस को एक कीड़ा काटता है और वो चिल्लाने लगता है। मार्कस की आवाज सुनकर सभी लोग उठ जाते हैं पर मार्कस को किसी सांप या बिच्छू ने नहीं बल्कि एक कीड़े ने काटा था। ये देखकर यहाँ सभी हंसने लग जाते हैं और मार्कस का मजाक उड़ाते हैं कि तुम कितने डरपोक हो। अगली सुबह फिर से अपना सफर शुरू करते हैं। ये लोग जंगल में पैदल चलना शुरू करते हैं। आगे जाके इन्हें बहुत तेज बारिश मिलती है लेकिन ये चारों उस बारिश का मजा लेते हुए आगे बढ़ते हैं। थोड़ा आगे जाने के बाद बारिश रुक जाती है और फिर ये लोग देखते हैं कि वहाँ इनको एक कबीला नजर आता है जहाँ के लोग इनका स्वागत करते हैं क्योंकि वो कार्ल को पहले से जानते थे। ये सभी गांव वालों के साथ काफी अच्छा समय निकालते हैं। अगले दिन यूसी को नदी में एक सोने का टुकड़ा मिलता है जो वो कार्ल को दिखाता है जिसके बारे में कार्ल ने उसे यहाँ आने से पहले बताया था। इसके बाद ये चारों गांव वालों से अलविदा बोल के अपने सफर के लिए जंगल में निकल पड़ते हैं। पैदल चलते चलते इनको रात हो जाती है और रात को वहाँ पर ये सब बंदर का मीट खाते हैं। दरअसल ये सभी लोग जब पैदल आ रहे होते हैं तो कार्ल ने अपनी बंदूक से एक बंदर का शिकार किया था। ये लोग उस बंदर को खाकर सो जाते हैं। फिर दूसरे दिन अपना सफर फिर से शुरू करते हैं लेकिन यहाँ मार्कस जो कि सबसे कमजोर होता है उसके पैरों में छाले पड़ जाते हैं और उसमें अब हिम्मत नहीं होती है कि आगे अब एक भी कदम बढ़ा सके जिसकी वजह से चारों को एक दिन वहीं आराम करना पड़ता है। यहाँ यूसी और केविन आपस में बातें करते हैं कि हमें इसको इस ट्रिप पर नहीं लाना चाहिए था क्योंकि वो ऐसा ही करता रहा है तो कुछ दिनों में यहाँ पर बरसात शुरू हो जाएगी जिस वजह से हम लोग यहीं फंसे रह जाएंगे। अगली सुबह जब ये लोग अपने सफर के लिए जाना शुरू करते हैं तब देखते हैं कि मार्कस की हालत और ज्यादा खराब हो चुकी है। जब ये सभी लोग आपस में बैठकर बात कर रहे होते हैं जिसके बाद कार्ल इनको बोलता है कि हमें अब भी 3 या 4 दिन लग सकते हैं कबीले तक पहुंचने में और मार्कस यहाँ चल भी नहीं पा रहा है। कार्ल इन सब को यहाँ से वापस जाने के लिए कहता है लेकिन यूसी जो इन सब में सबसे ज्यादा उत्सुक होता है ट्रिप के लिए वो नहीं चाहता कि इतने आगे आकर वापस जाए, इसलिए केविन को यहाँ
एक आइडिया आता है। वो कहता है कि हम पैदल न जाकर पानी वाले रास्ते से जाएंगे, जिससे कि मार्कस को पैदल न चलना पड़े। पर कार्ल इन सबको समझाता है कि नदी का रास्ता इतना आसान नहीं है, वो बहुत खतरनाक रास्ता है, उसमें हमारी जान भी जा सकती है। लेकिन किसी भी तरह से ये लोग कार्ल को मना लेते हैं, जिसके बाद ये सभी लोग वहाँ पर नाव बनाने की तैयारी करते हैं। काफी देर मेहनत करने के बाद आखिरकार ये लोग नाव बना लेते हैं। नाव बनाने के बाद जब ये लोग यहाँ से जाने वाले होते हैं, तब कार्ल इनको बोलता है कि तुम सभी लोग मुझे फॉलो करोगे या मेरे पीछे चलोगे, यानी जिस तरफ मैं बोलूंगा उस तरफ नाव को मोड़ोगे। अब ये सभी लोग यहाँ से निकल पड़ते हैं, लेकिन ये रास्ता इतना आसान नहीं था। पानी का बहाव इतना तेज होता है जिसमें इन लोगों का संतुलन बिगड़ जाता है, और पानी का बहाव इतना तेज होता है कि ये सभी लोग पानी के बहाव में बहना शुरू हो जाते हैं। अब तक इन चारों को इस नाव में बहुत दिक्कत हो रही थी, इसलिए कार्ल इनको कहता है कि हमें किसी एक किनारे पर जाना चाहिए। लेकिन केविन इनको ऐसा करने से मना करता है। वो कहता है कि हमें पानी के बहाव के साथ साथ आगे बढ़ते रहना चाहिए, लेकिन कार्ल उसे ऐसा करने से मना करता है। वो कहता है कि हम लोग यहाँ डूब भी सकते हैं। इसी बात पर इन दोनों के बीच बहस होने लगती है, यहाँ तक कि इन दोनों के बीच लड़ाई भी होने लगती है। पर यूसी इन दोनों के बीच आ जाता है और वो इन दोनों को रोक देता है। लेकिन फिर भी इन सबको केविन की बात ना मानकर कार्ल की बात माननी पड़ती है, क्योंकि कार्ल ही एक ऐसा आदमी था जिसको इस जंगल के बारे में बहुत कुछ पता होता है। इसलिए ये लोग अपनी नाव को किनारे पर लगा देते हैं। यहाँ आने के बाद कार्ल इनको बोलता है कि हमें अपना सफर यहीं रोकना पड़ेगा, आज रात हम यहीं पर रुकेंगे और कल सुबह से फिर से सफर शुरू करेंगे। शाम को यूसी और केविन आपस में बातें कर रहे होते हैं। यूसी केविन से कहता है कि शायद कार्ल को तैरना नहीं आता है, इसलिए वो पानी में जाने से कतराता है, और ये सच भी होता है। कार्ल को पानी में तैरना नहीं आता था, इसलिए वो पानी वाले रास्ते से नहीं जाना चाहता है। अब इसी तरह से जंगल में एक और रात बीतने के बाद कार्ल अपना मन बदल लेता है, वो पानी वाले रास्ते से ना जाके पैदल चलने का फैसला करता है। ये सुन यूसी और केविन ऐसा करने से मना करते हैं, लेकिन जो मार्कस होता है उसके पैरों में घाव होता है, तो फिर भी वहां से पैदल चलने को तैयार हो जाता है, क्योंकि उसको पता होता है कि पानी वाला रास्ता बहुत ही खतरनाक है, जिसमें उन सबकी जान भी जा सकती है। इसलिए वो नहीं चाहता कि इस सफर में उसकी जान जाए। जिसके बाद कार्ल और मार्कस इन दोनों को यहाँ से अलविदा कहकर पैदल चलना शुरू कर देता है, और इधर केविन और यूसी भी अपना सफर पानी वाले रास्ते से जारी रखते हैं। ये दोनों आगे बढ़ना शुरू करते हैं, लेकिन इन दोनों को इस बात का अंदाजा भी नहीं होता है कि आगे इनके साथ क्या होने वाला है। आगे जाके पानी का बहाव तेज हो जाता है और इनकी नाव पानी में फंस जाती है। एक बहुत बड़ी लहर इनकी नजदीक आती है, जिससे इनकी नाव डूब जाती है, और फिर ये दोनों एक पत्थर के पास जाके रुक जाते हैं, जो कि पानी के बीचों बीच में है, जिसके सहारे ये दोनों पानी में बहने से बच जाते हैं। केविन यहाँ यूसी से कहता है कि कैसे भी करके हमें यहाँ से निकलना होगा और किनारे पर जाना होगा, फिर तुम मुझे यहाँ से रस्सी फेंकना, जिससे कि मैं तुम्हें यहाँ से बाहर निकाल लूंगा। अगर मैं ऐसा नहीं करता हूँ तो हम यहीं पर फंसे रह जाएंगे। लेकिन यूसी उसे ऐसा करने से मना करता है। वो कहता है कि तुम पानी में डूब भी सकते हो, पर केविन यूसी से कहता है कि ऐसा कुछ नहीं होगा, मैं वहाँ पर जाके तुम्हें खींच लूंगा। अब केविन जैसे तैसे तैर के किनारे पर पहुँच जाता है। उसके बाद सबसे पहले वो यूसी को बचाने की कोशिश करता है। इससे पहले कि ये यूसी को बचा पाता, तब तक एक बड़ी सी नाव लेकर यूसी को बहा के बहुत दूर ले जाती है। केविन अपने दोस्त को पानी में बहता हुआ देखता है, पर वो कुछ भी नहीं कर पाता है। यूसी जब बचकर लहरों से बाहर निकलता है, तो वो देखता है कि वो कई किलोमीटर दूर आ चुका है, जहां पर उसका दोस्त केविन दूर दूर तक नहीं है। लेकिन अब तक यूसी बहकर बहुत आगे आ चुका था और केविन कहीं पीछे ही रह गया था। यूसी इस बड़े और खतरनाक जंगल में अकेला चुपचाप बैठा होता है, तभी ये देखता है कि इसका बैग नदी में बहा जा रहा होता है। ये उसी वक्त नदी में कूदकर अपने बैग को बाहर निकालता है। इस बैग को वो किनारे पर लाता है, तब इसमें उसे छोटी बाइबल और कुछ गोलियां मिलती हैं। ये गोलियां उन्होंने यहाँ आने से पहले ली थी, ताकि इनको खाकर इनमें एनर्जी आ सके। यूसी भी ऐसा ही करता है, वो इनमें से एक गोली निकालकर खा जाता है, जिससे उसमें एनर्जी आ जाती है, और फिर वो केविन को
ढूंढना शुरू कर देता है। यूसी बहुत देर तक इस जंगल में केविन को ढूंढता रहता है, पर वो उसे नहीं मिलता है, जिसके बाद वो एक जगह पर शांत होकर बैठ जाता है। यूसी अब तक बिल्कुल टूट चुका था और उसको ये भी नहीं पता था कि उसको आगे करना क्या है, लेकिन उसको ये भी पता होता है कि यहाँ पर उसको समझदारी से काम लेना होगा। इसलिए यूसी अपने बैग से एक मैप निकालता है और उस जगह पर साइन लगाता है। यहाँ पर उसको जाना है, लेकिन ये सफर इतना आसान नहीं होता है, क्योंकि आज यूसी को इस जंगल में पूरे 6 दिन हो चुके थे। यूसी पागलों की तरह भटकता रहता है, लेकिन उसको कोई मदद नहीं मिलती है। यूसी बहुत भूखा होता है, तभी उसे यहाँ एक बहुत बड़ा सांप नजर आता है, जिसे मारकर वो खा जाता है। रात को इसे किसी की आवाज सुनाई देती है। ये सोचता है कि इसका दोस्त केविन होगा। जब ये उठकर देखता है तो वहाँ मार्कस होता है, लेकिन जब ये टॉर्च जलाकर देखता है तो वहाँ पर कोई नहीं होता है। इसका मतलब ये सब इसका वहम था। अब इससे पहले कि ये दोबारा सोता, इसे महसूस होता है कि इसके आसपास कोई खतरनाक जानवर है। इसके पास एक लाइटर होता है और एक स्प्रे भी होता है, जिसके बाद ये लाइटर ऑन करके उसके ऊपर स्प्रे डालता है, जिसकी वजह से यहाँ पर आग की लपटें पैदा हो जाती हैं और वो आग उस जानवर पर लग जाती है, जिससे वो डर कर यहाँ से भाग जाता है। अगली सुबह होने पर उसे अपनी त्वचा पर कुछ महसूस होता है, क्योंकि रात को सोते समय उसके शरीर में एक रेंगने वाला कीड़ा चला गया था। यूसी अपनी त्वचा से उसे बाहर निकालता है, जिससे यूसी को बहुत दर्द होता है, पर उसके पास इसके अलावा कोई और चारा भी नहीं था। इसलिए इस दर्द के बावजूद भी वो इस कीड़े को बाहर निकालकर अपना सफर जारी रखता है। अब तक यूसी बहुत थक चुका था, उसमें बिल्कुल भी एनर्जी नहीं थी। थोड़ा आगे चलने के बाद इसको चिड़िया के 2 अंडे नजर आते हैं। ये देखकर जल्दी से उनमें से एक अंडे को खा लेता है, जिससे यूसी में थोड़ी एनर्जी आती है और वो अपना सफर फिर से शुरू करता है। इस रास्ते में आदिवासियों का इस्तेमाल किया गया सामान मिलता है, जो यूसी के किसी काम का नहीं था। वो यहीं पर कुछ समय आराम करने की सोचता है। वो अपने जूते और मोजे उतार देता है, तब वो देखता है कि उसके पैर की हालत बहुत ज्यादा खराब है। यहाँ से अपने दोस्त मार्कस की याद आती है उसे, ये सोच के कि उसे कैसा लग रहा होगा जब उसके पैर भी जख्मी हुए होंगे। अब ये यहाँ पर बहुत रोने लगता है। वो खुद से कहता है कि मैं कितना डरपोक हूँ जो मैंने मार्कस को इस हालत में अकेला छोड़ दिया। अगली सुबह जब ये पैदल चल रहा था, तब इसको रास्ते में किसी के पैरों के निशान दिखाई देते हैं। ये सोचता है कि केविन इसके आसपास ही है। तभी इसकी नजर उन अंडों पर पड़ती है जो कि इसने कल खाए थे, यानी कि ये घूम फिरकर उसी जगह पर आ चुका था। ये देखकर ये बहुत परेशान होता है और इसे बहुत ज्यादा गुस्सा आने लगता है। अब हमें इधर देखने को मिलता है कि केविन अभी जिंदा होता है और वो गांव वालों को नदी के किनारे मिला था। ये लोग उसे अपने साथ अपने गांव में लेकर आते हैं और उसका इलाज करते हैं। जब केविन को होश आता है तो उसे अपने दोस्त यूसी की याद आती है, इसलिए वो वहां के ऑफिसर से बात करता है कि मेरा दोस्त अभी भी जंगल में फंसा है, हमें उसकी मदद करनी चाहिए। ऑफिसर केविन की बात मान लेता है और एक प्लेन से उसे जंगल भेजता है। अब केविन एक पायलट के साथ उस प्लेन से जंगल में यूसी को ढूंढता है। नीचे यूसी को प्लेन की आवाज सुनाई देती है और उसके पास एक लाल कपड़ा होता है, जिससे वो उनको सिग्नल देता है, पर वो लोग यूसी को देख नहीं पाते हैं क्योंकि वो बहुत ऊपर होते हैं, जिसके कारण यूसी एक बार फिर निराश होके बैठ जाता है। दिल में केविन को कहीं न कहीं ये विश्वास था कि उसका दोस्त यूसी अब भी जिंदा है, इसलिए ये यहाँ बोट के ड्राइवर को अपने साथ जाने के लिए मना लेता है। बोट का ड्राइवर केविन से कहता है कि 3 हफ्ते से ज्यादा समय हो चुका है, अब तक तुम्हारा दोस्त मर चुका होगा, लेकिन केविन फिर भी उसे ढूंढना चाहता है और बोट लेकर उसके साथ चला जाता है। इधर हम देखते हैं कि यूसी जंगल में अधमरी हालत में लेटा होता है, तभी उसको वहाँ पर किसी की आवाज आती है और जब वो उठ के देखता है तो वहाँ पर एक आदमी नहीं बल्कि एक आदिवासी लड़की बैठी थी। लड़की यूसी को देखकर भागना शुरू कर देती है क्योंकि वो यूसी से डर जाती है, पर यूसी उससे कहता है कि उसे डरने की जरूरत नहीं है, मैं रास्ता भटक गया हूँ और मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। लेकिन ये लड़की भी यूसी की तरह जंगल भटक चुकी थी। यूसी ने इस जंगल में कितने दिनों बाद किसी इंसान को देखा था, जिसकी खुशी उसके चेहरे पर झलक रही थी, इसलिए अब वो इस लड़की को भी साथ लेके चलेगा और फिर वो लड़की को साथ ले चलने का फैसला करता है। वो उस लड़की से बोलता है कि उसे डरने की जरूरत नहीं है और बोलता है कि तुम मेरे हाथ पर सो सकती हो। यूसी उसे हाथ पर सुला लेता है और
और कहता है कि ईश्वर हमारे साथ है, वो हर कदम पर हमारी रक्षा करता है। अगले दिन ही यूसी देखता है कि उसके पास कोई भी लड़की नहीं थी, बल्कि ये सब उसका भ्रम था। यानी कि इतने दिन जंगल में रहने से उसकी दिमागी हालत खराब हो चुकी थी, जिससे कि इसको अजीब अजीब ख्याल आने लगते हैं और फिर भूख और प्यास से इसका मानसिक संतुलन बिगड़ जाता है। एक जगह पर आके यूसी का पैर दलदल में फंस जाता है, जिससे ये जमीन के अंदर धंसना शुरू हो जाता है। यूसी उसके अंदर से जितना बाहर आने की कोशिश करता है, वो उतना ही उस दलदल के अंदर घुसना शुरू हो जाता है। इसलिए यूसी सबसे पहले खुद को शांत करता है, फिर एक टहनी को पकड़ के बाहर आने की कोशिश करता है। काफी देर मेहनत करने के बाद आखिरकार खुद को बाहर निकाल लेता है। यूसी में अब इतनी भी ताकत नहीं थी कि वो ठीक से खड़ा हो सके, इसलिए वो रेंगना शुरू कर देता है। यूसी देखता है कि एक टहनी पर बहुत सारी चींटी होती हैं। ये देखकर वो अपने सारे कपड़े उतार लेता है और फिर उस टहनी के पास जाके टहनी से इन चींटियों को अपने ऊपर डाल लेता है। अब जैसे ही ये खतरनाक चींटियां उस पर डंक मारना शुरू करती हैं, तब उसके खून में एक अलग ही रफ्तार आ जाती है और यहाँ से भागना शुरू कर देता है। लेकिन यूसी को इतना दर्द हो रहा था, जिसकी वजह से वो अपनी सारी जिंदगी याद करने लगता है। फिर ये जल्दी से एक नदी के किनारे आ जाता है और शाम तक मदद का इंतजार करता है। अब यूसी बड़ी मुश्किल से उठता है और एक वहाँ पर निशान बनाता है, ताकि आसपास से गुजरने वाला उसे देख सके। थोड़ी देर बाद वहाँ पर एक कछुआ आता है, जिसे देखकर यूसी पत्थर उठा लेता है ताकि उसे मार कर वो उसे खा सके। लेकिन ये उस कछुए को नहीं मारता है, हालांकि ये बहुत भूखा होता है, पर फिर भी ये इस कछुए को जाने देता है। इसके बाद यूसी जीने की उम्मीद छोड़कर अपने दोनों हाथ ऊपर करके आसमान की ओर देखता है और फिर वहीं सो जाता है। जब सुबह होती है तो यूसी का दोस्त केविन उसी जगह पर आ जाता है। केविन यहाँ यूसी का बनाया गया निशान देखता है और समझ जाता है कि यूसी आसपास ही है। केविन यहाँ यूसी को आवाज लगाता है, लेकिन वो कहीं नहीं होता है, इसलिए वो यहाँ से वापस जाने लगता है। यूसी केविन को देख लेता है, पर उसमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो केविन को आवाज लगा सके, क्योंकि यूसी इतना कमजोर हो चुका था, जिसकी वजह से उसकी आवाज भी नहीं निकलती है। अब यूसी को लगता है कि उसका दोस्त उसके इतने नजदीक आके भी उसको नहीं देख पा रहा है, लेकिन शायद आज इसकी किस्मत अच्छी नहीं थी, क्योंकि जब वो वापस जाने वाला था तब उसकी अचानक पीछे नजर पड़ती है। तो वो देखता है कि उसका दोस्त यूसी अधमरी हालत में पड़ा है। ये देखकर केविन जोर जोर से चिल्लाने लगता है और कहता है, यूसी मैं आ रहा हूँ। इसके बाद केविन जल्दी से अपनी बोट को उसकी तरफ घुमाता है और जल्दी से यहाँ पर आ जाता है। फिर ये दोनों गले लगकर बहुत रोते हैं, क्योंकि यूसी ने कहीं न कहीं जीने की सारी उम्मीद छोड़ दी थी, लेकिन केविन ने अपनी दोस्ती निभाई और यूसी को इस खतरनाक जंगल में मरने से बचाया। फिर केविन यूसी को बैठा कर अपने साथ उस गांव में लेकर जाता है, जहां वो सब पहले से रुके थे, और यूसी का इलाज भी करवाता है। यूसी यहां आकर केविन को शुक्रिया बोलता है, क्योंकि उसने उसकी जान बचाई थी। यहां पर जितने भी गांव वाले थे, वो यूसी को जिंदा देखकर बहुत ही हैरान होते हैं, इसलिए वो इसके पास आते हैं और भगवान का शुक्रिया अदा करते हैं कि उसने यूसी को इतने दिन जिंदा रखा। और इन्हीं सब के साथ ये मूवी भी खत्म होती है। थैंक यू फॉर द वॉचिंग। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।